भगवान मेरा जो यार हुआ, मैं यार जमीनी बनने लगा। तो हम निकल गए कहाँ से? शीशनाग से। कहाँ जा रहे हैं माम? पंचतरणी। सब घोड़े वालों की लाइन है ये, पर हम चल के जाएंगे। लाइन 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 लाइन। चलो शर्मा जी दम लगा दो। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं आगे पंचतरणी हसीन वादियों में। वो देखो सब जा रहे हैं, वो देखो लाइन। चलो हर हर महादेव। तापमान गिरने लगा, नजारे मिलने लगे। देवो का देव महादेव। तो हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, इसके बाद ऊपर गणेश टॉप है। नजारों के आनंद लीजिए। इतने सारे भक्त जा रहे हैं भाई, जहां तक देखो लाइन ही लाइन है भाई। जय भोलेनाथ। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं गणेश टॉप तक। वहां जाके बताता हूँ आपको क्या सीन है। हर हर महादेव। हमें अभी वेवाल में और जा रहे हैं गणेश टॉप। वो देखो दूर दिख रही है व्हाइट पहाड़ी, उस पे जाना है। वो बादल के नीचे जो लोग जा रहे हैं छोटे छोटे। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे। वहाँ जा रहे हैं। जय शिव शंभु, हर हर महादेव, जय बा बर्फानी। बहुत इमोशनल पल है यार ये। चलो आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको ऊपर जाके क्या कहानी है। ये देखिए भंडारा चल रहा है इधर। और वहाँ है गणेश टॉप, वो है गणेश टॉप, उधर जा रहे हैं हम। बहुत ऊपर है भाई, मगर हर हर महादेव के जाप लेके चलते जा रहे हैं। हमारा हर महादेव पर आ चुके हो? अरे पहले बंद हो तो उससे पहले दो साल नहीं आ पाए हो। राम बंद था दो साल नहीं। देखिए यहाँ पे शेल्टर शेड भी है, जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। करना है तो आपको ये ऐसा है, और यहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं आराम से अपने अपने परिवार के साथ। कोई सो रहा है, कोई थक गया है। भंडारा की निःशुल्क सेवा भी चल रही है, तो आप अगर आ रहे हैं तो आराम से आइए, बस हौसला लेके आइए। बाकी सब यहाँ पे उपलब्ध है। सरकार द्वारा, जवानों द्वारा बहुत जोरदार काम किया जा रहा है। चलो चलते हैं ऊपर गणेश टॉप तक। थोड़ी देर पहले हम वहाँ बैठे थे उस तरफ, आइए दिखाते हैं ऊपर से नज़ारा है। नीचे से तो देखकर हाथ खराब हो गई थी, बट बस नाम लेते गए और पहुँच गए। देखिए वो दूर से आ रहे हैं, वो जहाँ तक नज़र जाती है रोड की, वहाँ बैठे थे हम। अगर मैं कहूँ कि मैं थका नहीं था या थकान नहीं हो रही थी तो ये झूठ होगा, पर इस यात्रा में, इस सफ़र में कुछ ऐसे प्राकृतिक दृश्य थे जो मन को अलग ही संतुष्टि प्रदान कर रहे थे।
तो बस इसी खुशी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे और बस चाप कर रहे थे महादेव जी। पहुंच गए गणेश स्टॉप, आइए दिखाते आपको नजारे कुछ गणेश स्टॉप जैसा। लंगर लगे हुए हैं, सब खा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मैं ढूंढता हूँ मेरे माता पिता को, कहाँ चलकर पहुंचे हैं। गणेश टॉप है, वहाँ से उतर चुके हैं, दो दिन से चल रहे हैं, आएंगे दर्शन आएंगे, बाबा के दर्शन आएंगे। वो देखिए भगवान मेरा जो रोड से जाना है, वहाँ देखो लोग उतर रहे हैं। और भैया कहाँ से आए आप लोग? जी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़, अरे बिलाई। गणेश टॉप से आने के बाद हम जा रहे हैं पोषपत्री पॉइंट पे, और वो है वहाँ, वो दूर है पोषपत्री, दिख रहा होगा आपको दूर एक टेंट्स लगे हैं, वहाँ जा रहे हैं। पहुँच गए हैं पोषपत्री कैंप। देखिए खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन। तीन तीन तरह की खीरे, मिठाई, एक और मिठाई, वालकंद, तिल के लड्डू। अरे स्वीट कॉर्न, चिल्ला, इडली वड़ा, सांभर, डोसा, कबाब, पाइनएप्पल, फ्रूट्स के कबाब, नमकीन भी है, सूप। भाई देख रहे हो इतना चलने के बाद उन लोगों ने क्या व्यवस्था की है भाई। सब्जी, पापड़, सैंडविच, इधर रोल चल रहा है भाई, देख रहे हो पेटी, समोसा, पफ, क्या क्या नहीं है भाई, खतरनाक सिस्टम है भाई। जूस, जूस देख रहे हो, पाइनएप्पल रू अफ्जा, आम का बनना, नींबू का बनना, और ग्लूकोज, और यहाँ फेंकना है ठीक है खाने के बाद। मुझे तो यहाँ डॉक्टर भी हैं जो आपको बताएंगे और दवाइयाँ देंगे, बेसिक दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा बुखार, पेट दर्द, वो जो भी होती हैं, डॉक्टर भी है। ये मेरी माँ चल रही है स्कूल की बच्ची की तरह, पाँच टर्नी और 7 किलोमीटर है। ये चले अपने पापा मम्मी, वो ऊपर से आ रहे हैं, बहुत ऊपर से, और हमें जाना है बहुत नीचे जहाँ वो शेडो दिख रही है पहाड़ की, वहाँ चलते हैं। चलो जाना है वो पहाड़ की टर्न पे और चलना है उसके बाद। हम यहाँ पे हाथ खराब हो गए, फेस पूरा खराब हो चुका है, मगर लाइट इतनी परवाह भी नहीं है। वहाँ से आ रहे हैं जितना नीचे सोच सके उतना नीचे, बर्फ दिख रही है पहाड़ पे, वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ जाना है। देखिए एक और ब्रिज आ गया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, घाटी में हम लोग पंचतरनी की तरफ जा रहे हैं, वहीं पे आज कैंप है,
14-15 किलोमीटर चल ली है आज, 10-12-13 किलोमीटर। आप देख सकते हैं ये रोड बहुत ही सक्रिय है, रोड नहीं है जैसा भी है, लोग फुल एडवेंचर चल रहे थे। यहाँ ही बाबा बर्फानी का भंडारा लगा है, निःशुल्क सेवा, सब आ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, जूस ले रहे हैं, मुरब्बा वरब्बा बादाम सब खा के आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल कैंप की फैसिलिटी भी है, टॉयलेट भी है, सब है। ये देखिए पंचतरणी, वो तो दूर है 2-2.5 किलोमीटर, बट फॉर ए कैंप। वो देखो छाव में फिर रोशनी है, फिर कैंप है, वहीं जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा बस यहीं तक आती है। देखिए कुछ ऐसे रोड है, थोड़ा खतरनाक है, बट वहां से भी रोड है। मेरे माता पिता, मैंने अभी अभी एक दादी को घोड़े से गिर के देखा। आज सुबह से मैं 2 मृत शरीर देख चुका हूँ, घोड़े से गिरने की वजह से एक का सर पे चोट लगी और वो गुजर गया, और दूसरी अभी पीछे जस्ट यहाँ पे गिरी थी। यहाँ से लोग आ रहे हैं, देखो चढ़ के ऊपर से तो यहाँ आके यहाँ नीचे गिर गई थी। यहाँ वो अंकल बैठे हैं पत्थर के पास, तो वहाँ पे गिरी वो आंटी दादी कॉन्शियस है पर मूवमेंट नहीं दे पा रही है। पंचतरणी ले गए हैं, वहाँ पे हेलीपैड है, वहाँ से उनको शायद नीचे ले जाए। चलो हर हर महादेव, वहाँ आगे पंचतरणी है, वहाँ पहुँच के आपको आगे का हाल बताया जाता है। धन्यवाद। ये देखिए रास्ता पंचतंत्री पंचतनी तक जाए का, ठंड लग रही है हल्की हल्की, मौसम बिगड़ रहा है, काले बादल आ रहे हैं, आई विश बारिश ना हो, पर जो भी हो देखा जाएगा। हर हर तब तक आप ये देखिए ये रास्ते कैसे रास्ते हैं, ये है ना पूरा एडवेंचर्स। अरे चलो आगे दिखाते हैं आपको। देखिए वहाँ से आना है, किनारे किनारे रोड है, और ऐसे उतर के ब्रिज पार करना है, और वहाँ है पंचतरणी। पंचतरणी ब्रिज का क्या सुंदर व्यू है, वहाँ है क्या सुंदर व्यू है पंचतरणी ब्रिज का। भगवान मेरा जो यार हुआ, यार हुआ। बहुत मजा आ रहा है, हवा का फील ले रहा हूं, मौसम बिगड़ गया था, साफ है फिर बिगड़ रहा है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पंचतरणी बेस कैंप, यहां से कल हम जाएंगे अमरनाथ गुफा की तरफ। हालत पतली हो गई देख सकते हैं, 12-14 किलोमीटर चले पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे।